के दर्शकों का सबके हमार संजय वर्मा के नमस्कार। हम यह समय बानी एक पिक्चर के प्रमोशन में आयल बानी जोने के नाम बाटे राजू बनल करेक्टर, और खास करके भैया वो फिल्म के हम तू लोग के हीरो से मिलो तानी। तो सर इस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए इस फिल्म में जो हम लोगों का काम है वो एक कलेक्टर बाबू एक रिक्शे वाले से लेकर कलेक्टर तक का जो सफ़र है जी, वो आप देखेंगे आपको लगेगा कि वाकई कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितनी चीज़ें उसके साथ हुई, उसके बाद भी वो कलेक्टर बनता है। एक इंस्पिरेशन थी, एक चीज़ें थी, एक अंदर से महत्वाकांक्षा थी, वो सारी चीज़ें थी जो कि एक लेखक ने जो लिखी थी वो हम लोगों ने पर्दे पर उतारी हैं बहुत मेहनत करके। आप प्लीज़ इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर जैसे मेरा मानना है कि इस फिल्म की जो हीरोइन है मोनालिसा जी, जिनको हम लोग भोजपुरी में हॉट केक कहते हैं, उनके साथ आपको काम करने में कुछ मतलब कैसा महसूस कर रहे थे? अंदर से खुशी हो रही थी कि फुलफुली डर के मारे हाथ कांप रहे थे? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि वो एक बहुत बड़ी स्टार है। जी, वो स्टार बहुत बड़ी हैं जी, हम सब मानते हैं, लेकिन जब भी वो साथ में किसी काम करती हैं तो लगता है कि वो एज अ फ्रेंड्स काम कर रही हैं और मदद करती हैं वो, क्योंकि मैं तो एक न्यू कमर था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जिस तरह से वो एज अ मेंटोर मेरे सामने रही और उन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे लगा कि वाकई अगर ऐसी कोई स्टार हो सकती है तो इट्स वेरी इजी टू एक्ट। नमस्कार, और देखिए ये प्रकाश जी आ गए, और एक कहावत है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का जो लिंकअप होता है पैजामा और नाड़े का होता है, तो मैं चाहूँगा हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर भी अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा तो सर इस बारे में कुछ आप लोग बताएं, गुप्तगू करें। हाँ, हम लोगों ने शुरू से ही बहुत मेहनत की, स्क्रिप्ट बेबी मतलब एक एज ए प्रोड्यूसर नहीं सिर्फ इसमें शामिल रहे बल्कि बैठे और स्क्रिप्ट पे भी काम किया, साथ में काम किया, और काफ़ी मेहनत और तमाम सब डिस्कशन के बाद ये स्क्रिप्ट तैयार हुई। जी, मैं आप लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस फिल्म को देखें और हमें आशीर्वाद प्यार दुलार दें। Planet Bhojpuri.